नमस्कार, एनपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। सहकारिता राज्य मंत्री सुहास सारंग ने आईएसबीटी पहुंचकर यात्री सुविधाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह ने भारतीय भवन कांग्रेस की 25वीं वर्षगांठ पर भोपाल में आयोजित सेमिनार को किया संबोधित। स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह ने खंडवा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचकर साइंस लैब का किया निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। सहकारिता राज्य मंत्री सुहास सारंग ने अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रबंधन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए और इसे बेहतर बनाया जाए। आईएसबीटी के समीप मदिरा दुकान पर आपत्ति की शिकायत पर राज्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2018-19 के लिए आबकारी विभाग द्वारा भेजे जाने वाले दुकानों के प्रस्ताव में आईएसबीटी परिसर के समीप की दुकान शामिल नहीं होगी। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के ग्राम गढ़ी पहुंचकर 70 करोड़ लागत की नल जल योजना का शिला पट्टिका का अनावरण कर भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर घर में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित है। जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार गांव, गरीब और किसान की चिंता कर रही है। महिलाओं को कुआं, बावड़ी या हैंडपंप से पानी न भरना पड़े, इसके लिए गांवों में सामूहिक नल जल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की रजत जयंती वर्ष पर आयोजित बैठक में कहा कि PIU के सभी इंजीनियर कार्य गुणवत्ता, आधुनिक तकनीकी और सुरक्षित निर्माण पर ध्यान दें, भवन लागत को कम करने की दिशा में ठोस प्रयास करें। PIU द्वारा प्रतिदिन 3 भवन बनाए जा रहे हैं। अभी 7000 करोड़ लागत के 4400 भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। PIU द्वारा 5000 करोड़ लागत के 2700 भवन निर्माणाधीन है। पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन एप्को द्वारा ग्रीन गणेश अभियान 2017 का शुभारंभ 10 जुलाई को भोपाल में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से होगा। ये कार्यक्रम 3 चरण में होंगे। कार्यपालन संचालक अनुपम राजन ने बताया कि प्रथम चरण में प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालय से NGC के मास्टर ट्रेनर और प्रमुख मूर्तिकारों को प्रशिक्षण के लिए भोपाल आमंत्रित किया गया है। प्रतिभागियों को POP और रासायनिक रंगों का उपयोग कर बनाई गई मूर्तियों के नदी, तालाब, झील इत्यादि में विसर्जन से इनकी गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव से अवगत कराया जाएगा। एनपी लाइव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार।